हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। आज एक बड़ा ग्लिच देखने मिला एनएससी की तरफ से, टेक्निकल एरर के कारण 3 घंटे ट्रेडिंग बंद था। 3:30 बजे के बाद चालू हुई ट्रेडिंग और 5 बजे बंद हुई। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,786 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,631। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ रेंज के बीच में और जैसे ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने लगा तो ब्रेकआउट लेवल के पास इसने काफ़ी देर इस लेवल को पेनेट्रेट किया, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल के पास। जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया, फर्स्ट टारगेट 14,809 अचीव हुआ और इसके बाद निफ्टी मूवमेंट करना बंद हो गया। करीब 3 घंटे के बाद ट्रेडिंग शुरू हुई, उसके बाद भी ज़बरदस्त तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 14 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी कल इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए आर्ली चार्ट पर चलते हैं। आर्ली चार्ट पे अभी ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर आके निफ्टी इंडेक्स एक बार फिर से क्लोज हुआ है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर भी देखें तो राइजिंग बॉटम्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, राइजिंग बॉटम्स बने हैं तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। हालांकि फिर से जब ये अपसाइड मोमेंट कन्वर्ट करेगा तो स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, फिर से एक यहाँ पर बॉटम्स बन जाएंगे, राइजिंग बॉटम्स, और फिर जैसे जैसे स्विंग हाईस को ब्रेक करेगा तब हमें अपसाइड मूवमेंट का कन्फर्मेशन मिलेगा। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, कल अगर इस लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं एक जबरदस्त स्विंग लो बना के यहाँ से बाउंस बैक हुआ था पास्ट में और एक यहाँ पर गैप भी क्रिएट हुआ था। तो इस लेवल के ऊपर यानी अराउंड 15,028 के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन कल बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,044, यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,063, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो दो मूविंग एवरेजेस है, मिड टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ये हो सकता है हर्डल का काम करे। तो इन दोनों के नीचे कंफर्टेबली निफ्टी इंडेक्स अगर चला जाता है, सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। अराउंड 14,949 के नीचे चला जाता है, सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,924, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,897, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी के लिए देखते क्या होता है। बैंक निफ्टी में भी आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड होते हुए यहाँ पर मार्केट बंद हुआ और उसके बाद जैसे ही रीस्टार्ट हुआ तो ज़बरदस्त तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। एक बार फिर से डेली चार्ट को देख लेते हैं। कल जैसे कि हमने डेली चार्ट में देखा था कि कैसे 20 EMA के पास 2 दिन बैंक निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, तो अभी इसने ज़बरदस्त पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बनाया, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का हाई लो और क्लोज बनाया। तो यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बन चुका है सपोर्ट लेवल के पास, तो यहाँ से और बैंक निफ्टी में तेजी हमें आते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। 60 मिनट के चार्ट में ये जो फॉल आया इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले
तो आप देख सकते हैं अभी 61.8% का लेवल 36,664 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है एक पॉज देखने को मिले। अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। यानी अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ से फेल हुआ, ये जो कैंडल है आर्ली चार्ट में, ये कैंडल जो देख रहे हैं आप देख सकते हैं इस लेवल से एक बार ये फेल हो चुका है। तो हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में भी यहाँ पर एक पॉज ले ले और दोबारा जब कोशिश करे तब यहाँ पर ब्रेकआउट मिले। तो 36,666 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,744, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,829, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, एक सेकेंड, ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा 36,666। और ब्रेकडाउन लेवल, ये जो लेवल है ये लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट करके एक छोटा सा बाउंस बैक होने की कोशिश की थी पास्ट में। तो 36,392 हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,314, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 36,236, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए, यानी 25 फरवरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। सो हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।